नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश डेटा सेंटर व्यवसाय में अपनी नई पहचान बना सकता है। इसके लिए प्रदेश में अलग अलग 9 स्थानों पर 690 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इस क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को सरकारी जमीन पर इकाइयां लगाने की लागत में 75% तक की रियायत भी मिल सकेगी। इस क्षेत्र की संभावनाओं पर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के तीसरे दिन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में अमेजॉन वेब सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट श्री मैक्स पीटरसन ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि फिलहाल नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई मिलाकर 6 स्थानों पर कंपनी काम कर रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में डेटा सेंटर है। मध्य प्रदेश में भी कंपनी अपनी आमद दर्ज करना चाहती है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर व्यवसाय के लिए जरूरी जमीन, बिजली और श्रम आदि सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष श्री बार्ज ब्रेंडे से और लुलू ग्रुप के मालिक मोहम्मद यूनुस अली से मुलाकात की। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की दो बालिकाओं रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। भोपाल की रिया जैन को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं इंदौर की सुदीप्ति हजेला को कठिन अश्वारोहण खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। राज्यपाल श्री लालजी टंडन से साइकिल यात्री श्री ब्रजेश शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। श्री शर्मा स्कूली बच्चों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूकता पैदा करने गांधीनगर गुजरात से 17 दिसंबर 2019 को साइकिल यात्रा पर निकले हैं। जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष स्कूल के सामने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर श्री कैलाश मिश्रा, श्री राजीव सिंह, महेश मालवीय, श्री आनंद तारण, श्रीमती आभा सिंह, श्री योगेंद्र सिंह चौहान, श्रीमती संतोष कसाना भी उपस्थित थी। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने धार के लालबाग परिसर में आयोजित रन फॉर ग्रीनरी में भाग लेकर अपने जन्मदिवस की शुरुआत की। रन में धार के शासकीय और निजी स्कूल कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं के साथ वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाड़ी भी शामिल हुए। मंत्री श्री सिंघार ने प्रतिभागियों को पर्यावरण पोषण रक्षण के साथ पेड़ नहीं काटने की शपथ भी दिलाई। ऊर्जा मंत्री श्री प्रवत सिंह ने बताया है कि एक वर्ष में विद्युत उपलब्ध क्षमता में 1731 मेगावाट की वृद्धि की गई है। इस दौरान 11 नए अति उच्च दाब उपकेंद्रों की स्थापना और 3212 MBA अति उच्च दाब ट्रांसफर्मरों की क्षमता में वृद्धि की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।